से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेवल 4 यूनिट 3 आईसीटी का सेशन नंबर 6 करेंगे। ओपनिंग, क्लोजिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को हम कैसे ओपन करें, कैसे क्लोज करें और किस तरीके से हम सेव एंड प्रिंटिंग कर सकते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है स्टेप टू सेव ए प्रेजेंटेशन। स्टेप जो प्रेजेंटेशन है उसको सेव करने क्या स्टेप है, देखो ये सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन का। जैसे हमने यही जो फाइल है इसको सेव करना है, इसको हमें फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमें जहां सेव करना है वहां पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें डी ड्राइव में सेव करना है तो डी ड्राइव में जाएंगे, NSKF लेवल 4 यहां डाल देंगे, इंप्रेस सैंपल और हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं जो ऊपर जो नाम है इस पे ये नेम टाइटल पे डिस्प्ले हो गया, इंप्रेस सैंपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 क्लोज प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करें, क्लोज करने के लिए क्या ऑप्शन है, जैसे ये है इसको हमें क्लोज करना है तो क्या तरीका है, फाइल में जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद ओनली प्रेजेंटेशन बंद होती है, क्लोज होती है, न कि जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस बंद नहीं होगा इसके द्वारा। इस जैसे क्लिक किया तो ये बंद हुआ है ना कि ये सॉफ्टवेयर अभी ओपन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2 ओपन ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को ओपन कैसे करें, ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे हमें जहां इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही जैसे NSKF की है इसको ओपन कर लेंगे, ये हमारी फाइल ओपन ऑलरेडी ओपन है, ये ऐसे हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट क्यों करते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन के हार्ड कॉपी निकालनी है हमें, भाई हमें प्रेजेंटेशन देनी है और उस पर कुछ हमें अपने हिसाब से अरेंज करके हम उसको जैसे ऑडियंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि भाई ऑडियंस उसको समझ सके कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है और किस के रिगार्डिंग है। इसके लिए हम ऑडियंस को एक जो प्रतिलिपि है, एक कॉपी है उसको देते हैं, इसके लिए हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो उसके लिए भी हम इसको प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट करने के लिए फाइल में गए और प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद दिख रहा है ये है प्रीव, प्रिंट प्रीव है ये यहां से ये प्रिंट प्रीव है। इसमें कह रहा है और स्लाइड, हमें सभी स्लाइड निकालनी है या स्लाइड को नंबर डालना है 1, 2, 3 जो भी है, ये देखिए स्लाइड नंबर है, दिख रहा है ये 1, 2 और 3 स्लाइड नंबर है, ये स्लाइड नंबर निकालने हैं, ईवन निकालनी है, ओड निकालनी है स्लाइड,
या सिलेक्शन निकालनी है, कोई सिलेक्ट कर रखी हो तो वो निकालनी है, हम यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज निकालनी है, हम यहाँ से कर सकते हैं भाई 3 कॉपी 4 कॉपी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब प्रिंट टू बोथ साइड, अगर बोथ साइड निकालना है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें है उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि हमें जो प्रेजेंटेशन निकालनी है, स्लाइड निकालनी है, कैसे निकालनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर खड़ी निकालनी है तो हम पोर्ट्रेट करेंगे, लैंडस्केप निकालनी है तो लैंडस्केप करेंगे। अगर ऑटोमेटिक पे क्लिक है तो जो स्लाइड पोर्ट्रेट है वो पोर्ट्रेट आएगी और लैंडस्केप है वो लैंडस्केप आएगी। उसके बाद हम अगर बोस्टर निकालना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके बोस्टर पे और हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रिंट आउट निकल जाएगा। ये हमारा प्रिंटिंग का है। इसके बाद हम देखेंगे, सेशन हमारा ऑलमोस्ट डन है, कुछ एडवांस करते हैं। इसी के अंदर ये जो फाइल है, जो न्यू है, वो तो न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए है। अगर एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर हमें और स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, एक तो ये तरीका है, जैसे हमें यहां इंसर्ट करनी है, इसके बाद करनी है, सेट कर लेंगे और कंट्रोल एम दबा देंगे तो एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें ये दिख रहा है, ये स्लाइड का लेआउट, यहां से लेआउट है, हमें किस टाइप की स्लाइड चाहिए भाई, टाइटल टाइटल स्लाइड चाहिए या टाइटल और कंटेंट की चाहिए या फिर टाइटल्स एंड टू कंटेंट्स, ये सारे चीज के लेआउट है कि हमें किस टाइप की हमें रिक्वायरमेंट है और हमें किस टाइप का डाटा हमें चाहिए, इस टाइप से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ ऐड लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, ये क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पर दिख रहा है ये, इस पर इंसर्ट टेबल, अगर टेबल इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। चार्ट करने हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो करने हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं, और इंसर्ट इमेज करने हैं तो हम यहाँ, जैसे इस पर क्लिक करके कोई इमेज चाहते हैं कि यहाँ से लाएं, जैसे कोई पिक्चर में कोई इमेज है या फिर डी ड्राइव के अंदर यहां से हम कोई पिक्चर इंसर्ट करें। जैसे ये हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई, इस टाइप से हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जैसे कोई ऑडियो या वीडियो फाइल करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम ऑडियो और वीडियो फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता ये। ये ऑडियो वीडियो का फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता इसका। तो कोई म्यूजिक फाइल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें वेव फाइल अगर कोई है तो वेव फाइल से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी वेव फाइल, जैसे ये है, द फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड फाइल इज नॉट सपोर्टेड, ये एमपी यानी वेव फाइल करता सपोर्ट, इसमें वेव फाइल नहीं है। तो हम इस टाइप से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो ये सेशन है इसका हम जो छोटे क्वेश्चन है वो करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेप टू सेव ए प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है उसको सेव करने का जो सही तरीका क्या है। सही तरीका है फाइल सेव एज, टाइप द फाइल नेम एंड सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्टेप टू क्लोज ए प्रेजेंटेशन, जो एक प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज करने का जो सही तरीका, क्या सही तरीका है, फाइल में जाएंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे। फाइल एग्जिट भी है लेकिन एग्जिट सही तरीका नहीं है, फाइल और क्लोज।
नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट स्टेप टू प्रिंट ए प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रिंट करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए फाइल, प्रिंट, हैंडआउट और ओके पे विच ऑफ द